नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दियोरबन नक्सल। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डर के साथ जब आप डीलिंग में उतरते हो तो आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल क्या है। अब दोस्तों, रिस्क प्रोफाइल एक बहुत ही ज्यादा फैंसी टर्म मैंने यूज कर दिया, लेकिन आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत आम आदमी समझना चाहिए उस टाइप का बात मैं कर रहा हूं। और दोस्तों, ये मैं किसी भी विशेषज्ञ टाइप से बात नहीं करूंगा, मैं कोई खास ऐसे बहुत ज्ञानी पुरुष हूं ऐसे नहीं बात कर रहा हूं। आम आदमी को समझ में आना चाहिए और आम आदमी की तरह ही मैं भी सोच रहा हूं, मैं किसी विशेषज्ञ की तरह नहीं सोच रहा हूं। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आया तो आप उसको परख लीजिए, आप सोच लीजिए कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो सच है, झूठ है, कैसा है, क्या है। दोस्तों, हर एक काम में एक रिस्क प्रोफाइल होता है, रिस्क खतरा। तो जैसे कि हम जीते हैं, नॉर्मली हम जीते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, रिक्शा और बस कार वगैरह में ट्रैवल करते हैं, तो हमेशा एक रिस्क को साथ में लेके ही चलते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। रिस्क कैसा रिस्क? तो भाई, तरह तरह के रिस्क होते हैं। ये रिस्क हो सकता है कि आप सीढ़ी उतरते समय पांव में मोच आ जाएगा, ये रिस्क हो सकता है कि आप लिफ्ट में जाओगे और लिफ्ट कहीं पे चिपक जाएगा, अटक जाएगा, या लिफ्ट मालफंक्शन हो जाएगा, गिर जाएगा, ये भी एक रिस्क है। आप कहीं भी स्कूटर कार में जाते हो तो हमेशा एक रिस्क रहता है, जैसे भी आप गाड़ी निकालते हो या स्कूटर या ऑटो में बैठते हो तो एक रिस्क रहता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए किसी की भी गलती से, या फिर रोड गीले हैं इसलिए, या पॉटहोल्स हैं इसलिए, या फिर सामने वाला व्यक्ति केयरलेस है इसलिए। मतलब कारण बहुत सारे हैं, लेकिन रिस्क हमेशा साथ में है, खतरा हमेशा साथ में है। हम किसी के साथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हमें नहीं जानकारी है कि उसको कोविड था कि कौन सी बीमारी थी, और संभव है कि वो बीमारी हमको लग जाए। हाथ मिलाते हैं या वो हवा में छींकता भी है, सांस भी अगर लेता है तो उससे हमें संक्रमण हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल रिस्क है, और नॉर्मल रिस्क को हम नॉर्मल समझकर ही जाते हैं, हम डर डर के नहीं जीते हैं, हम नॉर्मल तरीके से जीते हैं। तो दोस्तों, हर एक सौदे में एक नॉर्मल रिस्क है, और मैं कहीं भी ऐसे नहीं कह रहा हूं कि नॉर्मल रिस्क मत लो, कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर नॉर्मल वाला रिस्क नहीं लोगे तो कोई भी सौदा हो ही नहीं सकता है, कुछ भी काम हो ही नहीं सकता है, आप वैसे ही बैठे रहोगे, लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे। तो नॉर्मल रिस्क क्या है वो समझना जरूरी है, और जब वो अबनॉर्मल होता है तो हमारे दिमाग में अलार्म की घंटी बजनी चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो हमें वो काम करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए, लेकिन रिस्क को टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अबनॉर्मल रिस्क पे आपकी दिमाग की घंटी अगर नहीं बजी तो उस बात का टेंशन है। अब हम बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में दोस्तों, आपको लगेगा कृष ये सब नॉर्मल है, लेकिन मैं ये बार बार आपको यही समझाता हूं कि ये जो इसका जो रिस्क प्रोफाइल है, ये नॉर्मल रिस्क प्रोफाइल से कई बढ़कर है, थोड़ा नहीं, बहुत बढ़कर है। सिंपल सी बात कहता हूं, अगर आपने मुझसे एक फ्लैट खरीदा, समझो मेरे पास एक 50 लाख का फ्लैट है और आपके पास 50 लाख पड़े हुए हैं बैंक में, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन कह रहा हूं, बैंक में आपके 50 लाख पड़े हुए हैं, आपके बैंक से मेरे पास आ जाना चाहिए, मेरा जो 50 लाख का फ्लैट है उसका ताला चाबी आपके पास आ जाना चाहिए, और उसका उसके जो पेपर्स हैं रजिस्टर हो जाने चाहिए, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हो जाना चाहिए, यानी क्लियर कट पेपर वर्क हो जाना चाहिए। ये होता है परफेक्ट सौदा। तो परफेक्ट सौदा करने में दोस्तों हो सकता है कि 10-15 दिन लगेंगे, आप पहले मुझे टोकन दोगे, मैं आपको पेपर्स के कॉपीज दूंगा, आप देखोगे, समझोगे, बैंक यानी जो भी करने का है वो आप उसको परख के देखोगे, पारखी नजर से देखोगे, फ्लैट को भी देखोगे, समझोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे सब करके जब हम फाइनली अग्रीमेंट में उतरेंगे, आप मुझे थोड़ा पैसे पहले दोगे, थोड़े उस टाइम पे दोगे, अग्रीमेंट के टाइम पे दोगे, उसके बाद मैं आपको ताला चाबी दूंगा, पोजेशन दूंगा, ताबा दूंगा, तो ये टाइप से ये जो सौदा है वो पूरा होता है। अब ये
इसमें रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो मैं आपको एक समझा रहा हूं कि रिस्क प्रोफाइल में पहले बार आपको यह देखना है कि आप किसके साथ डील कर रहे हो। आप मेरे साथ डील कर रहा हूं, मैं आपके साथ डील कर रहा हूं, जो आपके पास सारे पैसे पड़े हैं और मेरे पास फ्लैट पड़ा है और हम ये लेन देन में आए हैं, तो ये कहते हैं हम प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डीलिंग। प्रिंसिपल मतलब आप एजेंट नहीं हो, आप किसी और के तरफ से नहीं ये काम कर रहे हो, मैं भी मेरे तरफ से ही काम कर रहा हूं, किसी और के तरफ से मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डीलिंग है। लेकिन बिल्डर के साथ आपका प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डीलिंग नहीं होता है। पहली बात, सबसे बड़ा खतरा वहीं से शुरू होता है कि आप जिसको बिल्डर समझ के बात करते हो, जिसके साथ बात करते हो, जिसके साथ सौदे में उतरते हो, जिसको टोकन तक, यानी जिसके कहने पे टोकन देते हो, जिस जो आपको प्रोडक्ट समझाता है, वो बिल्डर का एम्प्लॉई होता है, और एम्प्लॉई भी शायद ना हो, वो चैनल पार्टनर होगा। वो उसका पगार खाने वाला अगर है भी, तो भी वो आपका रिस्क कवर नहीं करता है। वो आपके साथ सिग्नेचर करके, अग्रीमेंट करके, एमओयू करके सौदा करने के लिए उसके पास अथॉरिटी नहीं है। उसके पास इसलिए अथॉरिटी नहीं है क्योंकि आपका जो डीलिंग हो रहा है वो बिल्डर के कंपनी के साथ में हो रहा है। ओके, चाहे वो लोधा डेवलपर्स या मैक्रो टेक जिसे कहते हैं, या रुनवाल डेवलपर्स हो, या रुस्तम जी हो, या जो भी हो, गोदरेज, जो भी हो, आप उस कंपनी के ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के साथ सौदेबाजी में नहीं बैठे हो। आप बैठे हो एक पगार खाते हुए बहुत ही आम इंसान के साथ, जो यानी दर्जे में प्रिंसिपल के कहीं भी बराबर नहीं है। वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और आप जब, आपको लगता है कि मैंने एक प्राइस फिक्स किया और शेक हैंड किया और टोकन बुक, टोकन स्वाइप किया, आपको लगता है कि आपके तरफ से आपने यानी मंजूरी दे दी सौदे के लिए, तो सामने बिल्डर के साथ आप हाथ मिला रहे हो, ऐसे आपको लगता है। लेकिन ये गलत है, आपको गलत लग रहा है। वो बिल्डर के साथ आप नहीं हाथ मिला रहे हो, आप एक कठपुतली के साथ मिला रहे हो जिसके पास कोई पावर नहीं है आपके साथ हाथ मिलाने का। यानी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाला ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल टू एजेंट वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है। वो एजेंट है। अच्छा, क्या वो एजेंट भी है? क्योंकि अगर वो एजेंट है, फॉर एग्जांपल, बिल्डर ने अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया, वो ही इज ऑथराइज्ड टू साइन, तो उसके लिए एक पद्धति होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और इसके पास एक कागज होगा कि भाई ये आदमी हमारे तरफ से साइन कर सकता है। अगर ऐसा है तो वो प्रिंसिपल टू एजेंट वाला डीलिंग है। लेकिन ये प्रिंसिपल टू एजेंट वाला भी डीलिंग नहीं है, सामने वाला साइन करने के लिए ऑथराइज्ड है ही नहीं। वो चाहे सेल्स मैनेजर हो, चाहे जनरल मैनेजर सेल्स हो, चाहे उसका जो भी डेजिग्नेशन हो, 99% ऑफ द टाइम जो लोग आपके साथ बैठते हैं सौदेबाजी में, छोटे हों या थोड़े बड़े भी हों, वो लोग ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं कंपनी के, बिल्डर के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होता है। मतलब प्रिंसिपल टू एजेंट का भी डीलिंग नहीं है आपके पास। ये ऐसे सोच लो कि अगर, टू गिव यू ओल्ड एग्जांपल, कि हम जैसे बात कर रहे थे मेरा 50 लाख का फ्लैट और आपके, आपसे 50 लाख लेने हैं, वो एग्जांपल, तो अगर मैंने मेरा ड्राइवर को भेजा आपके पास और ड्राइवर को किसी तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी दिए बगैर भेज दिया और कहा कि हाँ साहब टोकन एक्सेप्ट करेंगे वगैरह वगैरह, और आपने टोकन स्वाइप किया क्योंकि ड्राइवर ने कहा, मैं हमेशा पलट के कह सकता हूं कि भाई साहब आपने तो ड्राइवर के कहने पे किया है, मैंने तो हाँ नहीं बोला है, तो मैं हमेशा पलटी मार सकता हूं। ये रिस्क आपके पास हमेशा रहता है, क्योंकि वो चाहे बिल्डर के सेल्स ऑफिस में ही क्यों ना बैठा हो, चाहे वो सेल्स यानी वो कंपनी का जीमेल, वो नॉट जीमेल, एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी यूज कर रहा हो, piramal.com या rustomji.com या जो भी है, लेकिन फिर भी वो एजेंट भी नहीं है। फिर दूसरी बात है कि कागज पत्री,
जो कागज पत्री पे आप साइन करते हो, आप एप्लीकेशन फॉर्म में साइन कर रहे हो, आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ग्रहण कर रहे हो, आप ध्यान से देखिए उसके ऊपर वो कंपनी का लेटर हेड तो होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपसे साइन करवा रहे हैं, आपका लेटर हेड नहीं है, कंपनी का लेटर हेड है। ये कौन से टाइप का करेस्पॉन्डेंस हुआ कि आपका सिग्नेचर नहीं है, कंपनी का लेटर हेड है? आपका सिग्नेचर, कंपनी का लेटर हेड, कभी भी ऐसे देखा है? आप सोचिए, आपका लेटर हेड और कंपनी का सिग्नेचर हो सकता है क्या? आपके लेटर हेड वाले चीज पे कंपनी वाले आके साइन करेंगे क्या? जरा सोचिए आप, आपका लेटर हेड पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, कंपनी के लेटर हेड पे कंपनी का सिग्नेचर होना चाहिए। ये होता है करेक्ट पेपर वर्क। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पूरा पेपर वर्क बनाया है बिल्डर ने, बिल्डर की कंपनी ने, उसके आदमी लोग बैठे हुए हैं, आपसे पेपर वर्क साइन करवाते हैं, लेटर हेड उनका, सिग्नेचर आपका, ऑथोराइज सिग्नेटरी का अगर नाम लिखा हुआ भी है, सिग्नेचर ये जगह भी छोड़ा हुआ है, वो साइन नहीं करेगा और आप साइन करके स्वाइप करके चले जाओगे सेल्स ऑफिस से। खतरा किसका है? आपका है, पूरी तरह से आपका है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके और मेरे बीच में अगर एक सौदा होता है और मैंने आपको जो फ्लैट देने का बात किया वो 10-15 दिन में देने का बात किया, तो आप मान भी जाओगे। अगर वो 10-15 दिन नहीं किया और मैं कहता हूं साहब टाइम लगेगा, आपने पहले पेमेंट दे दिया, आपने 5 लाख 10 लाख दे दिया, उसके बाद मैं कहता हूं या उसके पहले भी कह देता हूं सर टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो मैं कहता हूं सर 6-8 महीने लगेंगे, आपको तो डर महसूस होना चाहिए, होना चाहिए आपको डर महसूस कि ये आदमी यार तैयार चीज नहीं बेच रहा है, वो कह रहा है आगे चल के तैयार होगा। मैं कहता हूं सर वो हो रहा है फ्लैट, यानी कि आपको फ्लैट देखने भी नहीं दूंगा, हो रहा है सर, हो रहा है, ये भरोसा रखिए, हो रहा है। तो इस तरह से मैं भरोसा रखिए कहता हूं, तो आपको खतरे का एहसास होना चाहिए। अगर मैं 6 महीना कहता हूं तो आपको खतरे का एहसास होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे लिख के लिखवा के ले लेता हूं, आपसे अग्रीमेंट करवा लेता हूं, पूरे पैसे नहीं दिए आपसे, आपने चलो आपने 10 लाख दे दिए 50 लाख के सौदे में, लेकिन मैंने आपसे पूरा पेपर वर्क करवा के ले लिया, साइन करवा के ले लिया, जो कोई भी फॉल्ट रहेगा वो आपका। अगर मैं फ्लैट के शेप को बढ़ाना चाहता हूं, कुछ ना कुछ करना चाहता हूं, वो सब वो राइट मेरा, अधिकार, सारे अधिकार मेरे। अगर मैं 2 साल के बाद देना चाहता हूं, 3 साल के बाद देना चाहता हूं, तो हो सकता है, संभव है, और पूरी छूट मिलेगी मुझे। आप अगर मेरे डिमांड करने पे पैसे नहीं दोगे, जब मैं अगला दस लाख मांगूंगा और आप अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर भारी पेनल्टी लगा दूंगा, ये राइट मिल जाता है मुझे। आपको इसका खतरे का एहसास होना चाहिए कि क्रिश ये तुम कैसे सौदे में उतार रहे हो, जहां पे सारा जो बेनिफिट्स है, सारे जो राइट्स हैं, सारे जो कुछ भी करने का अधिकार है, छूटछाट है, वो छूटछाट क्रिश के तरफ आ रहा है, और सारा जो खतरा है, सारा जो यानी ड्यूटीज हैं, फर्ज हैं, वो सारे आपके तरफ मैं डाल रहा हूं, हक मेरे तरफ ले रहा हूं, फर्ज आपके तरफ डाल रहा हूं। तो आपको कहना चाहिए और आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि क्रिश ये कैसे सौदे में उतार रहे हो यार, कि तुम सारे बेनिफिट्स अपने तरफ ले रहे हो, सारे रिस्क मेरे तरफ धकेल रहे हो, वो आप यानी ये क्या है? तो आपके दिमाग में अलार्म की घंटी बजनी चाहिए। अच्छा, दूसरी और एक बात मैं आपको समझाता हूं। आम आदमी को मैं अगर कहूंगा 50 लाख का ही फ्लैट का ही एग्जाम्पल रही है, मैं कहता हूं 50 लाख का फ्लैट 2024 में मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा, 2024 दिसंबर में मिलेगा कहके अगर मैंने 2025 दिसंबर या 2026 दिसंबर कर दिया, अब क्यों किया भाई किया है, किसी भी कारण से किया, हो गया, और मैं इस तरह से 25-26 वगैरह करता हूं, आपको लगता है नहीं मेरा फ्लैट तो मिल रहा है और मुझे टाइम भी मिल रहा है, मैं मुझे छूट मिल रहा है कि मैं पैसे बाद में दूं। अरे यार, आप पहले से पैसे ज्यादातर तो देके बैठे हो, 50-70-80% पैसे आप पहले से देके बैठ जाते हो, उसके बाद डिलेज होने शुरू हो जाते हैं, या कभी कभी 95% 98% तक दे देते हो, उसके बाद डिले। 31 दिसंबर 2024 को पोजीशन देना है ऐसे कहा होता है, लेकिन सर सॉरी,
सर मार्च में मिलेगा, मार्च नहीं जून में मिलेगा, जून नहीं अक्टूबर में मिलेगा, अक्टूबर नहीं दिसंबर में मिलेगा, तो 2025 हो गया, 2026 को स्लिप मारते मारते 2026-27 तक लेके जाते हैं। आपके साथ चीटिंग हो रहा है। जो चीज आपको 2024 में मिलना चाहिए वो चीज अगर 2026 या 27 में मिलता है तो आपके पास आपके साथ भयंकर चीटिंग हुआ। दोस्तों अगर 50 लाख के सामने 50 लाख की चीज का सौदा है, ऐसे सोच लो कि 50 लाख के सामने 50 लाख ही दे रहा हूं, ओके, पैसे पैसे के सामने पैसे का ही सौदा है। मैं अगर पैसे को डिले करूंगा बाद में ऐसे 2024 2025 2026 डिले करते जाता हूं, तो दोस्तों आपको नहीं लग रहा है कि आपको लाभ का लॉस हो रहा है 2024 में 50 लाख मिलना और 2026 में 50 लाख मिलना, आपको सेम लगता है? नहीं। लेकिन फ्लैट की बात आती है ना तो लोग बौखला जाते हैं। लोग कैसे सोचते हैं, अरे नहीं क्रिश, लेकिन वो 50 लाख का जो फ्लैट है जो 2024 में मिलने वाला था उसका वैल्यू भी तो बढ़ गया ना, उसने 50 लाख की चीज नहीं दी, उसने 60 लाख की चीज दी, उसने 70 लाख की चीज दी, ऐसे सोचते हैं लोग। लेकिन ये गलत सोच रहे हो दोस्तों, ये गलत सोच रहे हो कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वैल्यू वैसे नहीं बढ़ता है। वो आप जो सोचते हो ना कि वो हर साल वैल्यू बढ़ता है, वो चीज आपके दिमाग में बिल्डर्स ने घुसा दिया है कि हर एक साल सालों साल प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता है, इसीलिए आज ले लो अभी ले लो, ये एक बात आपके दिमाग में छेद करके उन्होंने पुड़ी भर दी है, पाउडर वाला पुड़ी आपके दिमाग में डाल दिया है, वो ड्रग है, वो नशा है, और वो धीरे 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 घोलते रहता है और आपको लगते रहता है आप उसी नशे में रहते हो कि हाँ 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 प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रहे हैं। रियलिटी में देखोगे तो उतना ये नहीं होता है, आपको जो जितना फायदा लगता है वैसे नहीं होता है, और कभी कभी न लगने वाला नुकसान भी हो जाता है, बहुत भारी नुकसान होता है। डिस्काउंट में बेचना पड़ रहा है लोगों को, जो लोग लेते हैं 50 लाख में वो फिर 35 में बेचते हैं, और ये सच है, ये होता है, ये हो रहा है। लोग लेकिन वो कहते नहीं है, चिल्ला चिल्ला के ऊपर यानी छत पे चढ़ के कोई कहता नहीं है कि मैंने 50 लाख में लिया और 30 लाख में बेचा, कोई बोलता नहीं है, वो चुपचाप मन में दबाता है वो दर्द को। अगर किसी को गोटे पे लात लगती है ना तो वो छत पे खड़े रह के चिल्लाएगा नहीं कि देखो देखो मुझे कैसे लगी, वो चुपचाप सहलेगा, वो जमीन पे लेट जाएगा, वो चुपचाप दर्द में लेट जाता है। तो सेम वे अगर जिसकी फाइनेंशियल लॉस होती है ना, वो छत पे चढ़ के कहता नहीं है कि मेरा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वो चुपचाप दर्द दबा लेता है, रो लेता है अपने आप से। घर में बिया बीवी झगड़ा कर लेते हैं, फिर रो लेते हैं, एक दूसरे को मन मना लेते हैं, और फिर कहते हैं भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, वगैरह वगैरह। तो ये टाइप से जो लॉसेस होते हैं, भारी लॉसेस हो रहे हैं पब्लिक के, आपको दिखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है क्योंकि आपके सामने सिर्फ बिल्डर्स ने जो सक्सेस स्टोरीज रखे हुए वही दिख रहा है। सक्सेस स्टोरीज जो पेपर में ऐसे देते हैं, हाँ बहुत भारी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सबका प्रॉफिट हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा है। चलिए आपको खतरे का एक और मैं मीनिंग समझाता हूं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपका किस तरह से लॉस होता है इसका और एक बार मैं आपको थोड़ा और विस्तार में समझाता हूं। तो दोस्तों मान लो कि 50 में अभी एक एग्जांपल सोचते हैं, 50 लाख के सामने 50 लाख में देता हूं, आपने मुझसे छुट्टा मांगा 50 लाख का, ठीक है, आपने 2000 के नोट्स दिए और मैं आपको देने वाला हूं 100-100 रुपए के नोट्स में 50 लाख, 50 लाख के सामने 50 लाख आज अगर मैंने दे दिया, आपने 2000 में दिए, मैंने 50 लाख कैश 10-10 के या 100-100 के बंडल में दिया, तो ये क्या हुआ? तो ये हुआ परफेक्ट ट्रांजैक्शन, 50 के सामने 50, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं नहीं दोस्तों आप मुझे आज दो, थोड़ा टाइम लगेगा और मैं आपको देता हूं लेकिन 2 महीने के बाद, तो आपको महसूस होना चाहिए कि मैं आपसे कुछ ले रहा हूं, मैं यहां पे फायदा कमा रहा हूं, चाहे वो जायज फायदा हो या नाजायज फायदा हो, लेकिन मैं आपसे फायदा कमा रहा हूं, ऐसे सोच के चलो। अब समझो 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 1 साल लगा देता हूं, 50 के सामने 50,
एक साल अगर मैंने लगा दिया, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि क्रिश कम से कम 5% तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, हमें चार्ज करना चाहिए। किसे? आप लोगों को चार्ज करना चाहिए, मुझसे कम से कम 5%, शायद उससे ज्यादा। तो मैंने आपके 5% का लॉस कर दिया, 50 के सामने मैंने दिया 47.50, ओके। और अगर 2 साल लगा दिए तो कम से कम मैंने 10% का नुकसान कर दिया, मतलब मैंने 50 के सामने 40 दिया। जरा आप इस गणित को डाल के देखिए और ये भूल जाइए, एप्रिसिएशन ये सब भूल जाइए, बाजू में रख दीजिए। अब आप सोचिए 50 के सामने मैं अगर 40, 50 के सामने वैसे तो 50 ही दे रहा हूं, लेकिन वो 50 का वैल्यू 40 का हो गया, क्योंकि 10% तो आपका इंटरेस्ट हो गया 2 साल में, ओके। तो मैंने क्या दिया? वो इंटरेस्ट नहीं दिया, आपको दिया 40। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक साल तो 4 साल, ओके। 2026 में अगर मैं आपके पैसे दे रहा हूं तो कितना हो गया? 20% तो मिनिमम हो गया, वैसे कंपाउंडिंग करके आपके 25% के आसपास तो हो जाने चाहिए, शायद उससे भी ज्यादा। कम से कम मैं कहता हूं, एक राउंड फिगर कहता हूं, 25%, मतलब मैंने कितना लिया आपसे? 50 लाख में से मैंने 1/4 अमाउंट निकाल लिया, ऐसे सोच के चलो। 10 लाख तो मैंने, 10 से 12.5 लाख मैंने ऐसे ही निकाल लिए, आपके पैसों में से मैंने निकाल लिए, ऐसे सोच के चलो, यानी कि आपका मैंने नुकसान किया। अब ये अगर रिस्क नहीं है तो ओके, लेकिन अगर ये आपको रिस्क लेना पड़ रहा है कि मैं आपको पैसे ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इन पैसों को कहीं और डाल के, कहीं इन्वेस्ट करके, कुछ करके, जुगाड़ करके, उसका मैं मार्केट में घुमा के फिर मैं आपको वापस लाके देने जा रहा हूं, तो आप सोच लीजिए आपके सर पे मैं कितना रिस्क डाल रहा हूं। यानी ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, फिर अगर बना तब मैं आपको दूंगा। मतलब आप सोचो ना, हर साल जैसे जैसे टाइम, अगर 6 महीने का है तो आप 6 महीने के लिए रिस्क ले रहे हो, अगर 4 साल का है तो आप 4 साल के लिए रिस्क ले रहे हो, अगर 6 साल है तो 6 साल के लिए। और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है, एक तो कॉस्ट बढ़ रहा है, आपके मनी का कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका इंटरेस्ट जा रहा है, उसके ऊपर से मैं जितना लंबा जाता हूं उतना आपका रिस्क जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आपके अगर मैंने 50 लाख रुपए आज लिए तो 4 साल 5 साल के बाद अगर देना चाहिए, और वो भी रिस्क के लेके, तो आपको फुल कम से कम 25 लाख तो ज्यादा देना चाहिए, क्या उससे भी ज्यादा। अगर मैं नहीं दे रहा हूं तो आपका नुकसान कर रहा हूं। ये बात को आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को अप्लाई करके एक बार सोच लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।